सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष की नारेबाजी के चलते लोकसभा 4 बजे तक स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो सदस्य नारेबाजी में हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे चर्चा में भाग ले। इधर हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में महंगाई और खाने पीने की चीज़ों पर GST का विरोध किया। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद फूला देवी ने तो सिलेंडर भी उठा लिया। इतना ही नहीं, सत्र शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर लोकसभा में चर्चा से भागने का आरोप भी लगाया था। उन्होंने कहा था कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं और उसके साथ महंगाई भी बढ़ रही है, लेकिन सरकार इस पर चर्चा नहीं करना चाहती। राहुल ने कहा कि संसद में चर्चा नहीं करना भी असंसदीय है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर हमला बोला। ईरानी ने कहा कि राहुल की संसद में उपस्थिति 40% है और वो दूसरों पर चर्चा नहीं कराने का आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी, जिनका राजनीतिक इतिहास इस बात से भी दिखता है कि वो देश में कब हैं और कब देश के बाहर, ये उनकी पार्टी के लिए भी एक चिंता का विषय बन जाता है। आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से विपक्षी पार्टी लगातार महंगाई पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रही है, जिस वजह से सदन नहीं चल सका है। आपको बता दें कि मंगलवार को सदन में गांधी मूर्ति के पास कांग्रेसी सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।